अब ये जो मूड है देश का, अनुराग भदौरिया जी, इस मूड का क्या करेंगे? और ये जो बातें उठाई जा रही हैं कि मुद्दे हैं महंगाई बेरोजगारी के, ये फिर कांग्रेस की तरफ वोट को क्यों नहीं छिटक रहे? क्यों वोट जा रहा है अब भी मोदी के नाम पर बीजेपी को? देखिए, हो सकता है आपका सर्वे हो, लेकिन हकीकत यह है, जमीनी हकीकत बता रहा हूं आपको, जमीनी हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रचार करने गांव में जा रहे हैं, लोग उनको दौड़ा दे रहे हैं, प्रचार तक नहीं करने दे रहे हैं। जमीन पे हकीकत है, बेरोजगारी मुद्दा 27% है, महंगाई मुद्दा 23% है और भ्रष्टाचार 8% है। थोड़ा आप भी इसको देख लीजिएगा, हमारा तो है ही और सीएसडीएस का भी यही है सर्वे में जो आया है। हो सकता है आपका सर्वे अलग हो, सर्वे अलग अलग हो सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। यहां अगर महंगाई बेरोजगारी मिला देंगे तो 50% मुद्दे पे, तो बताइए वोट कौन देगा? जिनके घर में महंगाई से कमर टूटी हुई है, क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? और जो बेरोजगारी से परेशान है या जहां पे बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को तो वोट के नाम पे अगर सिर्फ गांव में जाके बोल दो भारतीय जनता पार्टी, तो आदमी कहता है भैया बाद में मिलिएगा, अभी नहीं, अभी हम परेशान है। ये हालत है गांव की, इतना है कि आप भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे दिखा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 200 सीट नहीं पहुंचने वाली है, पूरे देश की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो। हो सकता है आपका सर्वे कहता हो, आपका अपना सर्वे है, हमारा अपना सर्वे है, हम अपने सर्वे में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 200 भी नहीं पहुंचने वाली, 150 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी 160 आ जाए तो समझना बहुत आ गई, क्योंकि जो हालत ग्राउंड लेवल पे है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की समस्याएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, आप जैसे जैसे चुनाव पास आता चला जा रहा है, आप देखिए सर्वे, दूसरों सर्वे भी देखिए। अभी एक सर्वे में देख रहा था किसी चैनल पे, पहले इंडिया गठबंधन को 40% दे रहे थे और एक सप्ताह के अंदर इंडिया गठबंधन 40% पे हो गया। इस तरह से हर रोज इंडिया गठबंधन हर दिन बढ़ता चला जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, अपने अपने आई डॉक्टर का नंबर हमें भी दीजिएगा, हम भी उन्हीं से इलाज कराएं ताकि चश्मा वही वाला मिले जो आपको मिला हुआ है। लेकिन आपका चश्मा कौन सा और आपको क्या दिख रहा है शहजाद पूना वाला? आप जवाब देना चाहते हैं? सत्ता का अगर वो अभी अपनी भड़ास निकाल चुके हैं तो मैं, नहीं भड़ास नहीं, ये जब सर्वे का शो होता है तो नंबर आने चाहिए खटाखट खटाखट खटाखट, ताकि टोटल पता चले फटाफट फटाफट फटाफट। तो शहजाद पूनावाला जी आपको जवाब दे रहे हैं, बताइए चश्मा। चलिए अनुराग भदौरिया जी जवाब दे रहे हैं शहजाद। ये बात मैं स्वीकारता हूँ कि अनुराग जी ने अपना सर्वे कराया है और इसी सर्वे के आधार पर एक नहीं दो नहीं सात सात टिकटें बदली है इन लोगों ने, एक नहीं कई सीट पर तो दो दो तीन तीन बार बदल दिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। तो इन्होंने सर्वे किया है नाविका जी, और जो कह रहे हैं ना सही है, आपका सर्वे कम दिखा रहा है, इससे भी ज्यादा जीत होने वाली है, इसलिए तो इनके सर्वे के आधार पर देश का मूड ये नूब नहीं जान पाते हैं, ये देश का मूड बनाम राजनीति के नूब। छह महीने पहले जब हम लोग राज्यों के चुनाव में बैठते थे और ये सर्वे आता था तो ऐसे ही अनुराग जी यही हरा कुर्ता पहनकर आपके सर्वे वालों को गाली देते थे कि आपका सर्वे गलत है, बिका हुआ है, समझ में नहीं आता, मेरा सर्वे दिखा रहा है हम लोग सब स्टेट जीत रहे हैं। उसकी जरा क्लिपिंग डाल दीजिए, केवल उस समय की क्लिपिंग डाल दीजिए और देख लीजिए कि अनुराग जी का टेप रिकॉर्डर और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड। बस मैं आपको बताना चाहती हूं, इस वक्त हमने देश के लगभग 241 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का हमने जान लिया है लगभग मूड क्या है। और मध्य प्रदेश में मैं बता दूं, छिंदवाड़ा जो सीट कभी कांग्रेस नहीं हारी है, कमलनाथ और उनके पुत्र कभी ये सीट नहीं हारे हैं, वहां कड़ा मुकाबला है, लेकिन एज बीजेपी को है इस वक्त। लेकिन ओवरऑल 241 सीटों में एनडीए 194 पर खड़ी है और इंडिया गठबंधन 15 पर, अन्य 32 पर, और ये इस वक्त के रुझान है। लेकिन मुद्दों की बात चली तो मुद्दों की वजह से मैं फिर दिखाना चाहती हूं कि क्या पूरे देश में एक ही प्रकार के मुद्दे चल रहे हैं। और ये मुद्दे देखने के लिए अब हम ले रहे हैं स्क्रीन पर कि उत्तर भारत में कौन से मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी 20%, महंगाई 25%, राष्ट्रवाद 13%, भ्रष्टाचार 4%, विकास 12%, हिंदुत्व 20%, यानी बेरोजगारी और सांस्कृतिक विरासत जो का जो एक दौर चला है रिक्लेम करने का, वो भी इंपॉर्टेंट है। ध्रुवीकरण 4%, अन्य मुद्दे 2%, ये उत्तर भारत है। लेकिन महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है,
हिंदुत्व भी एक मुद्दा लोगों के सामने है, लेकिन ये मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं। अब चलते हैं हम वेस्टर्न यानी के पश्चिमी भारत की तरफ। तो यहाँ बेरोजगारी 16% पर, महंगाई 22% पर, विकास 14 और हिंदुत्व 21% पर। ये इम्पोर्टेंस के हिसाब से चार सबसे बड़े मुद्दे हैं। राष्ट्रवाद 15% पर, भ्रष्टाचार 7% पर, ध्रुवीकरण 3% पर, अन्य 2% पर। और चले अगर इसके बाद हम देखते हैं कि पूर्वी भारत में क्या मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं, तो पूर्वी भारत में महंगाई 22%, बेरोजगारी 15%, विकास 21%, हिंदुत्व 18%, राष्ट्रवाद 12%, भ्रष्टाचार 5%, ध्रुवीकरण 5%, अन्य 2%। यानी भ्रष्टाचार, और मैं चाहती हूँ आप सब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देखिए, इतना लोगों का उस पर ध्यान नहीं है। और साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की तरफ अगर चलें तो यहाँ क्या मुद्दे हैं, और दक्षिण भारत के मुद्दे हैं बेरोजगारी 8%, 21% महंगाई जरूरी है, विकास 22%, हिंदुत्व 16% और राष्ट्रवाद 17%, 8% भ्रष्टाचार, ध्रुवीकरण 4%, 4% अन्य। हर्षवर्धन, पूर्वोत्तर भी ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट एरिया है, और पूर्वोत्तर में मुद्दे क्या हैं? फिर बेरोजगारी 8%, महंगाई 24%, विकास 20%, हिंदुत्व 14%, राष्ट्रवाद 18%, यहां राष्ट्रवाद का मुद्दा है, भ्रष्टाचार 8%, ध्रुवीकरण 3%, अन्य 5%, लेकिन महंगाई यहां भी बड़ा मुद्दा है, और हिंदुत्व पैन इंडिया मुद्दा है, विकास जो है वो भी पैन इंडिया मुद्दा है, महंगाई और बेरोजगारी भी पैन इंडिया मुद्दे हैं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, करप्शन मुद्दा नहीं है और बीजेपी इस पर बहुत एम्फोसिस दे रही है, बहुत जोर दे रही है, क्या आपको कहीं कोई डिस्कनेक्ट लग रहा है? देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि इस पूरे सर्वे को अगर मुद्दों के आधार पर देखें तो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि डोमिनेट कौन से मुद्दे कर रहे हैं, कौन से प्रभावी मुद्दे हैं, तो हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की पूरी जो जिसको हम कहते हैं ना कैंपेन पिच की धर ले जा रही है, तो वो उसी की बात करते हैं। भ्रष्टाचार कई बार हम लोग कहते हैं ना कि वो मुद्दा कितना बड़ा बन रहा है, तो भ्रष्टाचार निश्चित तौर पर मुद्दा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस कैंपेन में इन मुद्दों के आगे वो छोटा मुद्दा बनता है। और एक जो बड़ी बात है और जिसको हम अच्छी बात के तौर पर कह सकते हैं, अगर ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन इतना बड़ा मुद्दा लोगों की नजर में नहीं है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे मुद्दे पॉजिटिव मुद्दे हैं। इनमें से किसी भी, ऐसे आप चाहे महंगाई बेरोजगारी की बात कर लें, राष्ट्रवाद की बात कर लें, हिंदुत्व की बात कर लें, डेवलपमेंट की बात कर लें, ये लोगों के किसी न किसी, जिनको हम कहते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल में बेटरमेंट को लेकर है, हमारे, आप हिंदुत्व की बात करेंगे तो हो सकता है कोई कहे कि ये तो रिलीजियस सेंटीमेंट है, लेकिन वो सेंटीमेंट नहीं है ना भाई, वो बरसों से आपकी आस्था, आपकी उपासना पद्धति, आपके आराध्य, उनसे जुड़ा हुआ मसला है। तो मैं तो इसको देखता हूं कि पॉजिटिव नोट पर है, और भ्रष्टाचार को लेकर मुझे भी उम्मीद थी कि थोड़ा और लोगों का इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए था, अगर वो नहीं है तो शायद भाजपा के दूसरे मुद्दे ज्यादा प्रभावी हैं, इसलिए वो नीचे दिखता है।